ये मंथरा कौन है? दो प्रकार से समझ लीजिए मंथरा को। मंथरा दासी है, नौकरानी है, कुबड़ी है, ये सब तुम जानते ही हैं। मंथरा है दहेज का सामान। क्या है? हाँ, अब जो ले लिए हैं कोई बात नहीं, हाँ वो क्या करें, अब वो कुछ हाँ कुछ धर्म के काम में लगा दो और क्या है? मंत्र दहेज का सामान। और दहेज का सामान देखो लेते समय चमकता बहुत है, रुलाता बहुत है, बाद में लेते समय तो बहुत अच्छा लगता है, उसकी चमक बहुत अच्छी रहती है, लेकिन रुलाता बाद में बहुत है। बंधु मातो निवेदन, जिन्होंने बंद कर दिया है वे अभिवादन के पात्र हैं, लेकिन जहां ये दहेज की परंपरा चल रही है ये दुखद है। एक दहेज को भी मैं दो प्रकार कर रहा हूं, दो प्रकार का दहेज भी होता है। एक दहेज होता है उपहार स्वरूप, बेटी का बाप बेटी का परिवार अपने शक्ति से अपनी क्षमता से अपने सामर्थ्य से अपनी प्रसन्नता से बेटी को जो दे दे फिर भी स्वीकार, फिर भी स्वीकार। लेकिन ये जो लिस्ट बना के दिया जाता है, इतने भिखारी हमने कभी नहीं देखे। भिखारी तो 10 रुपए मांगता है भाई, उसको भी हम लोग 10 बातें बोलते हैं भिखारी। और ये जो लिस्ट में आती है लिस्ट, और लिस्ट में ऐसा नहीं है आदमी कितना गिरा है बता दूं, आगे ब्रांड भी लिखता है, ये वाला गाड़ी 4 पहिया कह दे फिर भी गनीमत, उसमें भी बता देता कौन सी। ये अच्छा लगता है क्या? हमसे किसी ने कहा महाराज जी क्या करें, समाज को दिखाना पड़ता है, समाज भी है, हमने भी तो दिया था। ये झूठी बात है, हमारे मन में चोर है, हमारे मन में पाप बैठा है, हम लेना चाहते हैं। और इसलिए भागवत के महात्म्य में लिखा है ये बात, भागवत के महात्म्य में श्लोक आया है, कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। खरीद फरोख्त होगा, अब रिश्ते नहीं बनेंगे, अब सौदे होंगे, अब बेटों को बेचा जाएगा और कन्या के पिता अपने जामाता अपनी बेटी के लिए वर खरीदेंगे। कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम, लोभ के कारण, और उसके बाद भी इतना सब मिलने के बाद भी प्रसन्नता नहीं रही। तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक, इसलिए दहेज से बचिए। और निवेदन ये है, एक लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज श्री आप बोल तो देते हो, ये बताओ बेटे को पढ़ाने में इतना लोन हमने लिया था वो कहां से भरेगा। हम कहे वाह भाई, तो बेटी के बाप के भरोसे तुमने लोन लिया था, इससे तो अच्छा तुम अनपढ़ रखो अपने बेटे, इससे तो अच्छा अनपढ़ रहे तुम्हारा बेटा, मत पढ़। तुम्हारी दृष्टि कितनी मैली है, कितनी विषैली तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हारा चिंतन कितना विषैला है, और तुम समाज में भी इसको परोस रहे हो। यदि 10 जगह यही बात की जाए तो लोग समझ जाएंगे, हाँ हाँ लोन ले लो, फिर जब लड़का कमाएगा तो फिर वो उसकी शादी करेंगे तो बेटी के बाप गला दबा के लिए। ये कितना विष है, बेटी के बाप बेटी को नहीं लगता है क्या पालने पोसने में, उसके बाप का शक्ति ऊर्जा पैसा उसको पढ़ाने में नहीं लगता है क्या? बेटी का बाप कहां रोएगा जाके, वो किससे लेगा? बेटी भी तो पढ़ती है, बेटी भी तो उसकी संतान है। ये विषाक्त चिंतन समाज से निकलने चाहिए, ये विषय है समाज का। और जो लोग सोचते हैं कि कुछ ये 2-4 लाख रुपए 2-4 करोड़ रुपए लंबी गाड़ी कुछ दहेज में मिल जाएगा, इससे हम सुखी हो जाएंगे, इससे हम प्रसन्न हो जाएंगे, इससे हम बड़े आदमी हो जाएंगे। बंधु माता मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करती है, जो अपने पुरुषार्थ से अपने परिश्रम से अपने कमाई से अपने पैसे से सुख अर्जित नहीं कर सका, बड़ा आदमी नहीं हो सका, वो दहेज के पैसे से कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है, कभी भी वो बड़ा आदमी नहीं हो सकता है। ये मेरी व्यासपीठ की प्रार्थना। वैसे बजाना तो सबको चाहिए था, कई बार लोग नहीं बजाते, कौन लोग या तो ले चुके हैं और या तो
आप लोग तो मुझे वैसे बहुत अच्छे लग रहे, आप इसके विरोधी होंगे और नहीं है तो आज से हो जाइए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सब कुछ तो भगवान ने हमको दिया है, किसी के आंसू न लिया जाए। हाँ, आंसू पोछने का काम किया जाए, हमारे कारण किसी के आंख में आंसू, ये राम कथा है, ये राम कथा। और मैं तो बहुत, चूंकि यहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं है मुझे उन विषयों को बोलने की, मैं तो यहां तक भी कह देता हूं, इस परंपरा को रोकने के लिए बहुत कठोर कदम उठाना पड़ेगा देने वालों को। जहां से डिमांड हो जाए बेटी देना बंद करो, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा बेटी का मूल्य। वो अपना प्राण दे रहा, हृदय का टुकड़ा दे रहा। दूसरा मंथरा कौन है? मंथरा कुसंग है। एक तो दहेज का सामान है, दूसरा मंथरा कुसंग है। और बंधु माताओं, कुसंग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कई लोग कुसंग को बहुत छोटा समझ लेते हैं, कहते हैं रोज रोज नहीं लेते, होली दिवाली दो घूंट ले लेते हैं, रोज नहीं लेते, कभी फंक्शन में ओके लीजिए, मुझे क्या ही करना है, लेकिन संस्कार घर का बिगड़ जाएगा। संस्कार शुरुआत तो बहुत नीचे से होती है, इसकी यात्रा बहुत लंबी है, इस कुसंग की यात्रा बहुत। और एक बार यदि हाथ में रंगीन बोतल, एक बार फ्रिज में रंगीन पानी आ गया, एक बार स्वाद लग गया, तो फिर ये छूटेगा नहीं, बढ़ेगा होगा। और बंधु माताओं, किसी भी प्रकार का कुसंग हो बचना चाहिए। कुसंग में प्रवेश करने से लगता तो है ये मंत्रा दासी है, नौकरानी है, कुबड़ी है, ये क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन मैं तो कहता हूं रामचरितमानस की सबसे ताकतवर प्राणी का नाम है मंथरा। सारी अयोध्या को सत्यानाश कर दिया, महाराज को मरने के लिए मजबूर कर दिया, भगवान को वन में भेज दिया, माताओं को विधवा कर दिया, अयोध्या में हाहाकार मच गया। और 14 वर्ष के बाद भी मंथरा, जब भगवान लौट के आए तो मंथरा अयोध्या में ही थी, कोई निकाल। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे कुसंग बहुत ताकतवर। तो मेरी प्रार्थना, कुसंग से जितना हो सके बचा जाए। और कुसंग पहले इंद्रियों में नहीं, पहले मन में आता है, इंद्रियां तो बाद में प्रकट करती हैं। किसी भी प्रकार का कुसंग हो, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार, किसी भी प्रकार का कुसंग हो, पहले कहां आएगा? मन में। फिर यहां से वो इंद्रियों में जाता है। इसलिए कुसंग जब आवे और लगे कि अब हम गड्ढे में गिर जाएंगे, अब नहीं बच पाएंगे, अब गिरने वाले हैं, दो काम करना चाहिए। क्या? पहला प्रयोग ये करना चाहिए, ये बहुत सार्थक प्रयोग है, पहला प्रयोग ये करना चाहिए, आसन बदल देना चाहिए। आसन यानी यदि बैठे बैठे मेरे मन में विचार आ रहा है तो खड़े हो जाए, खड़े खड़े आ रहा है तो चलने लगे, चलते चलते आ रहा है तो और तेज चलने लगे, दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते आ रहा है लेट जाइए। जिस भी आसन में आपके मन में कुसंग का विचार आ रहा हो, उस आसन को बदलिए, गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे, विचारों का क्रम टूट जाएगा। ये मेरे व्यासपीठ का प्रयोग है, ये निवेदन। दूसरा, मान लो इससे भी प्रबल हो आपका, इससे भी प्रबल हो आपका कुसंग, तो कुछ मत करो, कमरे में चले जाओ, कमरा बंद करो, कुंडी लगा, और बिस्तर पर आसन पर ठाकुर जी के सामने जहां भी मन करे बैठ जाओ, कमर की हड्डी सीधी कर लो,